हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या व्याग्रा चेस्ट पेन में लेनी चाहिए, या फिर इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो व्याग्रा से अगर चेस्ट पेन हो तो चेस्ट पेन की मेडिसिन लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना ही चाहिए, वरना बात जान पर आ सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है हेयर फॉल ट्रीटमेंट के बारे में, किन दवाओं का यूज करके आप हेयर फॉल को रोक सकते हैं और इसके साथ ही बालों को थिक, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप व्याग्रा ले और सीने में दर्द हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, व्याग्रा खाने से चेस्ट पेन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बट कई फैक्टर हो सकते हैं चेस्ट पेन के, जैसे गलत पोजीशन में संबंध बनाने से चेस्ट पेन हो सकता है। मतलब अगर आप कोई ऐसे पोजीशन ट्राई कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल ना हो तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में संबंध बना रहे हो तब भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है, या व्याग्रा के साइड इफ़ेक्ट से आपको चेस्ट पेन हो सकता है। चाहे कारण कोई भी हो, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि व्याग्रा लेने के बाद चेस्ट पेन होने से आपको बिल्कुल भी चेस्ट पेन की दवा नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं, वरना आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि चेस्ट पेन के लिए जो दवा आती है उसमें नाइट्रेट्स रहता है, और जो व्याग्रा या इसके जैसी कोई भी दवा जैसे टेडिलाफिल, एवेनाफिल, वर्डेनाफिल लेते हैं उसमें भी नाइट्रेट्स रहता है, क्योंकि ये सब मेडिसिन PDE5 इनहिबिटर्स फैमिली की दवा है जो ईडी के ट्रीटमेंट में काम आती है या ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने में काम आती है। ये टेबलेट सिर्फ लिंग के ब्लड फ्लो को ही इंक्रीज नहीं करता, बल्कि ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। तो अगर आप चेस्ट पेन की दवा लेते हैं व्याग्रा लेने के बाद तो आपका ब्लड प्रेशर सडनली एकदम डाउन हो जाता है, जिससे जान भी जा सकती है या डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसलिए बिल्कुल भी आप व्याग्रा के साथ नाइट्रेट्स वाली कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपकी चेस्ट पेन की दवा चल रही हो तो आपको व्याग्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ भी दोनों टैबलेट में नाइट्रेट्स होने की वजह से बात जान पर आ सकती है या डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सवाल आता है, चेस्ट पेन की दवा ले रहे हैं तो क्या व्याग्रा या टेडिलाफिल नहीं ले सकते हैं? तो इसका जवाब है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट डॉक्टर की कंसल्ट के अकॉर्डिंग। या चेस्ट पेन ठीक हो जाए या फिर आपकी चेस्ट पेन की दवा बंद हो जाए तो उससे 4 से 5 दिन की गैप के बाद ये दवा ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं टिप्स की। टिप्स में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर व्याग्रा लेने के बाद चेस्ट पेन हो तो सेमी सिटिंग पोजीशन में आपको रिलैक्स करना चाहिए, लेटे रहना चाहिए और नाइट्रेट्स लेने से बचना चाहिए। कई बार व्याग्रा लेने के कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे चेस्ट में जलन हो तो आप एसिडिटी की एक टैबलेट ले सकते हैं, ये सेफ़ रहता है, बट लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही हो तो आप व्याग्रा या टेडिलाफिल नहीं ले सकते हैं। चेस्ट में कंटिन्यू पेन रहता है, दवा चल रही है तब भी आप व्याग्रा नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और टिप्स है, कंफर्टेबल पोजीशन में संबंध बनाना चाहिए, जोश में आके होश नहीं खोना चाहिए। टैबलेट लेने के बाद आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, इसलिए होश नहीं खोना चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वार्निंग, अगर व्याग्रा लेने के बाद आपको चेस्ट पेन हो और आप डॉक्टर के पास दिखाने जाए तो आपको सामने से डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपने व्याग्रा ली हुई है या फिर टेडिलाफिल ली हुई है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर आपसे पूछते नहीं है और आप सामने से बताते नहीं हैं, हेजिटेट करते हैं ये बताने में कि आपने व्याग्रा ली हुई है। अगर डॉक्टर को पता ही नहीं होगा आपने व्याग्रा ली हुई है तो आपको वो नाइट्रेट्स वाली मेडिसिन ही देगा। इसलिए आपको सामने से डॉक्टर को बताना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, डॉक्टर से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर आप व्याग्रा या टेडिलाफिल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में और भी जानना चाहते हैं
तो साइड इफ़ेक्ट पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप चैनल विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।